एक आदमी ना आंख चेक कराने चला गया, बहुत जगह सुनाया मैंने, आंख चेक कराने गया, तो वेटिंग थी तो सोफे पे बैठ गया। जो ऑप्टोमेट्रिस्ट था वो किसी आदमी की आंख चेक कर रहा था, तो उनके पास एक चश्मा सा रहता है ना, जो खाली रहता है अंदर, तो उसने उस आदमी को चश्मा लगाया और उसमें एक शीशा डाला। अब दिख रहा है तुझे? तो बोला ना। तो उसने बोला शीशा निकाल के दूसरा डाला, बोला अब तुझको दिखता है? तो बोला नहीं, थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया। अब ये बाहर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है उसको। फिर उसने तीसरा डाला, बोला अब कह रहा अब थोड़ा सा साफ हुआ है। फिर उसने चौथा शीशा डाला, बोला हाँ अब मुझे बिल्कुल दिखाई दे। तो उसने पर्ची बनाई कि बाहर चश्मा बना। अब ये गया, अब इसका नंबर था, ये तो देख रहा था बहुत देर से। अब उसको भी वो चश्मा लगाया जिसमें दो छेद थे। पहला शीशा डाला, बोले तुझे दिख रहा है? बोले नहीं। तो उसने वाला निकाल के दूसरा डाल दिया, बोला अब दिख रहा है? बोला अभी भी नहीं। उसने फिर तीसरा डाला, बोला अब? बोला अभी भी। चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवा नहीं, आठवा, जितनी ट्रे थी सारे डाल डाली, अब कह रहा नहीं। तो जो चेक कर रहा था उसने बोला नहीं पढ़ा जा रहा? कह रहा नहीं। बोला पढ़े भी हो? तो बोला नहीं, इसलिए तो पढ़ा नहीं जा रहा। तो बोला यहां क्या करने आए हो? तो बोला हमको लगा चश्मा लगाने से दिखता है। उसको बोला चश्मा लगाने से दिखेगा तभी जब पढ़ाई अंदर पहले से होगी, अंदर से होगी तभी दिखाई देगा, अंदर से होगी ही नहीं तो दिखाई। मैं चाइनीज लैंग्वेज लिख दूं, यहां चाइनीज कुछ चाइनीज चींचो चाँ चाँचो है ऐसा कुछ लिख दूं तो तुम पढ़ पाओगे क्या? जबकि तुमको दिखता भी है, परफेक्ट नजर आता है। चाइनीज लैंग्वेज पढ़ पाएंगे? अरबी लैंग्वेज? यानी पढ़ भी वही पाएंगे जो ज्ञान पहले अंदर होगा ना, जो होगा ही नहीं उसको भी नहीं पढ़ा जा सकता।